हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स, हम यहां पर बात करते हैं इसके टाइटल्स की। सबसे पहले जो इसकी हेडिंग होती है उसमें आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, ठीक है, कि कौन से स्कूल के हो। आपका भी क्वेश्चन में दिया होगा तो वो स्कूल, कई बार क्वेश्चन में भी स्कूल का नेम दिया होता है, नहीं दिया होगा तो आप अपनी तरफ से नाम लिख लेना। मैंने यहाँ लिखा है एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद आपका रिपोर्ट किस चीज के ऊपर लिख रहे हो, तो ब्लड डोनेशन कैंप। रिपोर्ट किसने लिखी वो, और डेट। ये जो मेरे चार सेंटेंसेस लिखे हैं ना यहाँ पर, ये एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी हेर फेर की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही लिखना है आपने। उसके बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में आपका आएगा व्हेन, व्हाई, वेयर की रिपोर्ट की जो कैंप है या कुछ फंक्शन है वो क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो जैसे आप चाहे तो जो स्टार्टिंग है वो एक कोट से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, आप यहाँ पर कोई भी कोट लिख सकते हो। अगर कोट समझ नहीं आ रही है कि माइंड में कि क्या लिखें तो लिव इट, डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर दोगे। अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज बाय एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन इतने इतने इतने। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन द स्कूल कैंपस। मिसेज राधा देवी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। तो आप देखिए कि हमने यहां पर मेन बातें हमने यही लिखी है कि स्कूल कैंपस में हुआ, ये इसकी चीफ गेस्ट थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैराग्राफ में आएगा मेन एक्टिविटीज एंड पीपल इन्वॉल्व, कि क्या क्या मेन एक्टिविटी हुई और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। अब ब्लड डोनेशन कैंप है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर और नर्सेज तो होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, यही होता है ना। तो यही बातें आपने पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो देखिए कि इतने बजे स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड एट 10 AM कंटिन्यूड 3 PM तक। उसके बाद देयर वाज़ अ टीम ऑफ 3 डॉक्टर्स एंड 4 नर्सेज फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल्स। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टाफ, स्टूडेंट पेरेंट एंड सम लोकल पीपल वर प्रेजेंट इन द स्कूल दैट डे। ऑल वर लुकिंग सो एंथुसियास्टिक। अबाउट 175 पर्सन्स डोनेटेड देयर ब्लड। द डोनर्स वर गिवन फ्रूट्स एंड जूस। इट्स सो ईजी टू लर्न। क्रैम नहीं करना है, रटा नहीं लगाना है, आपने चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि अगर आप क्रैम करोगे तो आप में और एक जो पैरट होता है ना, रट्टू मास्टर, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। समझोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा, क्रैम करोगे तो नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा है। ये बेसिक सी बातें हमको पता होता है, हर स्कूल में ये होता है कि क्या क्या होता है, बस आपने उनको सेंटेंस में, राइट सेंटेंस में कैसे लिखना है इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इतना हो गया। फिर जो आपका थर्ड पैराग्राफ है वो कंक्लूडिंग होता है, ठीक है, कि ब्लड डोनेशन हो गया, उसके बाद प्राइजेस दे दिए, तो बस वही है। चीफ गेस्ट लेने हैं, उसने लेक्चर डिलीवर किया किसके ऊपर, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के ऊपर। और उसके बाद शी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू द डोनर, डोनर्स हु हैज डोनेटेड द ब्लड, जिसने ब्लड दिया है उसको डोनर कहते हैं। शी ऑल्सो अपलाउडेड द ओवरऑल वर्क डन बाय एनसीसी यूनिट एंड एनएसएस वॉलंटियर्स। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने किसके काम की प्रशंसा की, एनसीसी यूनिट और एनएसएस वॉलंटियर। इसकी जगह आप स्काउट एंड गाइड्स भी लिख सकते हैं, स्काउट एंड गाइड्स शामिल कर सकते हैं इसमें, या फिर ओवरऑल वर्क डन बाय द 4 हाउसेज ऑफ द स्कूल। उसके बाद द फंक्शन वॉज एंडेड विद द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम से ही जब जनगण मन गाते हैं उसके बाद ही फंक्शन की फंक्शन खत्म होता है। इट वॉज अ ग्रेट डे, दिस डे वॉज ट्रूली अ सक्सेस। तो इट्स सो सिंपल। पर इन केस अगर आपको दूसरी रिपोर्ट आती है जैसे कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर रिपोर्ट लिखने को आएगी, तो आपने क्या करना है, आपने एक तो ये चेंज करना है, इसकी जगह आपका आ जाएगा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सेम आएगा। यहां पर ब्लड डोनेशन, यहां पर कोट लिखी है मैंने, इस कोट को आप रहने दीजिए, ये आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। फिर आपने डायरेक्ट यहां से लिखना है एन एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज बाय ये वो सो, इट वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्कूल कैंपस। उसके बाद आप एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का भी किसी को चीफ गेस्ट बना दोगे। उसके बाद ये इतने को शुरू हुआ। और ये जो मैंने लिखा है ना कि देयर वॉज अ टीम ऑफ 3 डॉक्टर 4 नर्सेज फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल, तो डॉक्टर और नर्सेज का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोई काम नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो द फंक्शन वॉज स्टार्टेड विद गणेश वंदना, सीनियर गर्ल्स ऑफ क्लास +2 प्रेजेंटेड अ फोक डांस एंड जूनियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल स्किट, ठीक है। जो जो कल्चर प्रोग्राम में होता है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड द फंक्शन वेरी मच। और लास्ट में आपके लिखोगे द चीफ गेस्ट, तो लास्ट जो आपका होता है वो कंक्लूडिंग होता है, ठीक है। अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, चीफ गेस्ट एक लेक्चर डिलीवर करती है, उसके बाद अगर उसे फंक्शन अच्छा लगा या
कई बार अच्छा नहीं भी लगता है तो भी वो यही कहेंगे कि अच्छा है फंक्शन, और उसके बाद क्या करेंगे, खुश होकर वो कुछ कैश स्कूल को दे देंगे स्कूल की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो बस वही यही है, द चीफ गेट डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज कर सकते हैं आप एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क कर सकते हैं, एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट टू द डोनर्स की जगह विनर्स, शी ऑल्सो अपलाउडेड द ओवरऑल वर्क डन बाई, वही सब पूछा जाएगा। फंक्शन वॉज एंडेड विद द नेशन, इट वॉज अ ग्रेट डे, फंक्शन वॉज ट्रूली अ सक्सेस। इस तरह से आपका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आता है तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर भी यही सब कुछ आएगा। बस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में आपने क्या करना है, कल्चर प्रोग्राम आप कर सकते हो क्योंकि कई स्कूल कर लेते हैं, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि देयर वॉज अ पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द थीम ऑफ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इस साल की आपकी थीम थी उस पर लिख सकते हैं। और फिर आप लास्ट में, और आप ये भी लिख सकते हैं कि द एनएसएस यूनिट ऑफ द स्कूल प्लांटेड 150 सैपलिंग्स अराउंड द एरिया, या फिर इन द अडॉप्टेड विलेज, ठीक है। और बाद में यही आप देखेंगे जितनी भी रिपोर्ट्स है वो कितनी मिलती जुलती है, सब रिपोर्ट्स मिलती जुलती है, बस फर्क होता है सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस का, वो एक बार समझ जाए। और नॉलेज को अगर आप इंटरकनेक्ट इंटरलिंक्ड करना समझ जाए ना, कि ये जो आपने नॉलेज ली है इसी को आप दूसरी रिपोर्ट में भी यूज करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कि प्रेशर माइंड में देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि हाँ ठीक है, ये मुझे सेंटेंसेस सारे समझ आ गए हैं, ठीक है, ये आपको वैसे ऑलरेडी आपको पता था कि आपके स्कूल में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उनको कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।